जो संस्था है उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने लखनऊ के हमारे पंडाल को संज्ञान लेकर के दुनिया के सबसे बड़े पंडालों में से एक सर्टिफिकेट देकर के अद्भुत काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गे की। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम 15 अक्टूबर है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगेन हम प्रेम मंदिर आएंगे और यहां का वीडियो शूट करेंगे और यहां का प्यारा सा नज़ारा आपको दिखाएंगे और माता जी का दर्शन करवाएंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर और आपने जैसा कि मेरा वीडियो पिछला देखा था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो होप आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो चलिए फिर हम बैक कैमरे के साथ मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं यहाँ का प्यारा। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सखी जी और हम इन्हीं के साथ में आए हैं। तो गाइस, आज हम लोग साथ में आए हैं और प्रेम मंदिर में माता रानी के दर्शन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बना, ये तो आ चुकी है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इनके साथ। तो चलिए साथ में दर्शन करेंगे, साथ में घुमाएंगे आपको प्रेम मंदिर। जी बिल्कुल, बिना आपका टाइम वेस्ट किए ना हम आपको दिखाते हैं प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू यहाँ का। मिलते हैं बैक कैमरे के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना आपको कुछ खूबसूरत नज़ारा ऐसे देखने को मिलेगा और आज यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलेंगी। और हमारा जो प्रेम मंदिर है ना, हमने जैसे कि आपको दो वीडियो में दिखाया था तो आधा अधूरा दिखाया था, तो आज ये खूबसूरती से एकदम सजा हुआ है। ये खूबसूरत जो प्रेम मंदिर है ना, इसको देख करके आपको लगेगा ही नहीं कि ये थर्माकोल का बना हुआ है। और थोड़ा सा हम करीब से भी ना आपको खूबसूरत सा नज़ारा देखने दिखाने वाले हैं। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो शॉपें लगी हैं तो थोड़ा सा मेंटेन करने में टाइम लगेगा यहाँ पे, और काफ़ी भीड़ आपको भी देखने को मिल भी रही है। तो थोड़ा सा चलिए अंदर का भी हम आपको नज़ारा दिखाने वाले हैं। अभी हम लोग ना यहाँ पे मुख्य अतिथि जो है हमारे जो वर्तमान के उप मुख्यमंत्री जी हैं उनका हम लोग वेट कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी हमारे जो माननीय हैं। और यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ चुकी है और सारे लोग बस यही वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उद्घाटन हो जाए और फिर एंट्री करने को मिले और अंदर जा कर के जो मनमोहक दृश्य है ना उसको देखने को मिले। तो बस इसी चीज़ का हम भी कर रहे हैं इंतज़ार और चलिए फिर करते हैं थोड़ा सा और वेट। बाकी एक बार आप देखिए ना यहाँ पे क्राउड एकदम पूरा, ये जो पंडाल है ना पूरा भरा पड़ा है, ये देखिए। तो दोस्तों, काफी इंतजार के बाद हमारे जो चीफ गेस्ट है ना वो आने वाले हैं और एकदम वो आ ही चुके हैं, समझ लीजिए सारे लोगों की नजर बस उन्हीं पे टिकी हुई है। तो चलिए फिर ना हम बैक कैमरे के साथ उनको एंट्री करते हुए आपको दिखाते हैं। तो अभी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे जो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। सब लोग अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, कोई इधर उधर आने आ जाकर अव्यवस्था नहीं पैदा करेगा। सभी से अनुरोध है कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। फ्रेंड्स, अभी आप क्राउड देख सकते हैं कितना ज्यादा है। बोलो दुर्गा माई के जय, बोलो दुर्गा माई के जय, बोलो दुर्गा माई के जय। भाभी आइए, सो फ्रेंड्स उद्घाटन हो चुका है, अब हम लोग ही होने वाली है एंट्री। आप देख सकते हैं इतनी जो पब्लिक आई हुई है, कब से बस इसी टाइम का इंतजार था और काफी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये देखिए। जय माता दी। कम से कम आप लोग चिल्लाते हुए तो जाइए, प्रेम मंदिर में आप जा रहे हैं। जय माता दी। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे पब्लिक एकदम उमड़ पड़ी है पहले ही दिन। अब दूसरे दिन का क्या हाल होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं, ये पहले दिन का क्रेज आप देखो।
सो फाइनली दोस्तों आपने देखा मतलब कितने अच्छे से हमने आप लोगों को दिखाया। जो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए थे उन्होंने उद्घाटन किया और ये रिबन वगैरह काटा। और अभी आप देख सकते हो ना आज पहला दिन है और यहाँ पे भक्तों का एकदम सैलाब, एकदम मेला लगा हुआ है। इतने सारे लोग आए हुए हैं ना कि हम आपको बता नहीं सकते। यहाँ पे वीडियो भी बनाना एकदम मुश्किल है अंदर जाकर के, इतनी ज़्यादा मतलब आए हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा और कुछ आपको दिखाते हैं फिर। चलिए फ्रेंड्स हम भी कतार में आ चुके हैं आगे बढ़ने के लिए और अंदर का आप लोगों को दृश्य दिखाने के लिए। तो चलिए फिर बैक कैमरे के साथ दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू, प्यारा सा नज़ारा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना एक सैलाब भी दिखेगा आप लोगों का। और ये आप देखेंगे और माता जी का दर्शन आपको अभी करने को नहीं मिलेगा, वो फिफ्थ डे आपको मिलेगा दर्शन करने को। बाकी और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी। यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी की झांकियाँ थी वो हमने आपको दिखा दिया और यहाँ का खूबसूरत से जो व्यू हमने आपको दिखाया ना वो कैसा लगा वो ज़रूर आप बताइएगा। और बाकी यहाँ पे ना जो सजावटी मतलब सजावट की गई है ना वो बेहद ही खूबसूरत की गई है और लाइटिंग वगैरह भी बहुत गजब की। इसके पहले हमने जो वीडियो आपको दिखाया था वो आधा अधूरा था, तो अभी आपको कैसा लग रहा है ये आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके। और फ्रेंड्स ऊपर की जो लाइटिंग आप देख रहे हो ना यहाँ भी ऐसे ही बटरफ्लाई और ये चिड़िया वगैरह बनी हुई है ना, देखेंगे बहुत ही गजब की यहाँ पे लाइटिंग की गई है। और फ्रेंड्स ये देखिए ये वो हाल है जो हम अंदर घुस करके दिखाया करते थे आपको। फिलहाल अभी तो हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ चीफ गेस्ट वगैरह बैठे हुए हैं। और आप देखेंगे ना कि बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा। और जो हमारे माता रानी का दर्शन अगर आपको करना है, वैसे हमने आपको कल की वीडियो में तो करा ही दिया था अगर आपने देखा होगा, अगर आपको करना है ना तो आप पाँचवें दिन आइएगा और फिर आप यहाँ पे आकर के दर्शन कर सकते हैं। सो भैया हम अंदर का नज़ारा आपको दिखा करके अभी एग्जिट कर चुके हैं और चलिए फिर थोड़ा सा बाहर का नज़ारा जाते जाते भी हम आपको दिखा ही देते हैं। आप लोग भी याद रखिएगा कि हमने कितना मेहनत करके ये वीडियो बना करके आपको दिखाया था। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ का माहौल देखने की कोशिश करते हैं कि अभी यहाँ पे चल क्या रहा है। सो फ्रेंड्स बाहर आकर के हमें ये देखने को मिला ये पब्लिक जो है ना ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये है हमारा स्टेज जो आपको दिखाया था और स्टेज में आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं ना वो सारे लोग पंडाल यहाँ पे बनाया था वृंदावन के परिषद को आमंत्रित करता हूँ कि इस अवसर पर संबोधित करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्सव संस्था द्वारा जानकीपुरम में भव्य एवं अद्भुत परिकल्पना को धरातल पर उतारते हुए प्रेम मंदिर के व्रत रूप को दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में निर्मित इस भव्य समारोह में हमारे बीच में उपस्थित है। नगरवासी आने को आतुर है, हजारों फोन कॉल्स मेरे पास आए जब उनको पता चला कि हम लोग आज इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। तो बंदोपाध्याय जी ने उनकी टीम ने जो इस परिकल्पना को धरातल पर उतारा है, हम कह सकते हैं कि मेहनत माँ दुर्गे आपको ऐसा आशीर्वाद देने वाली है, लखनऊ को ऐसा आशीर्वाद देने वाली है कि आसपास के घरों में सुख संपत्ति वैभव, संकट का नाश, दुखों का अंत और सबके कष्ट कटने वाले हैं, ऐसा मैं माँ दुर्गे के चरणों में निवेदन करते हुए प्रणाम करते हुए कह सकता हूँ। मैं वट विकास बनाने वाले जो संस्था है उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने लखनऊ के हमारे पंडाल को संज्ञान लेकर के दुनिया के सबसे बड़े पंडालों में से एक सर्टिफिकेट देकर के अद्भुत काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गे की जय। माँ दुर्गे की जय। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, अभी आपने हमारे डिप्टी सीएम जी का जो उन्होंने आभार प्रकट किया और यहाँ के प्रेम मंदिर पे उन्होंने जो अपनी दो बातें बोली वो तो आप सुन ही चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम अब फूड कोर्ट आपको दिखाते हैं कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको खाने को मिल सकती हैं, और आज के बाद अगर आप आओगे ना तो सारी चीज़ें वेल मेंटेन आपको सारे शॉप मिलेंगे, और जो भी आपको खाना है ना वो आ करके आप खा सकते हो। तो चलिए फिर आपको हम एक बार ना थोड़ा सा दिखा देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे मोमोज और ये देखिए यहाँ पे भेलपूरी सारा कुछ मिल रहा है खाने को। भैया कैसे आप खिला रहे हो? 40 का हाफ है मैम। 40 का हाफ आपको यहाँ पे मोमोज। अच्छा, 50 का हाफ पनीर जी। ओके, इधर फ्रेंड्स आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीने को मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और बाकी क्या चीज़ें मिल रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं। गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, मटका, खीर, रबड़ी, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल रही है, ये आप देखिए। और बाकी प्राइस भी आपने देख लिया, और ये आप लजीज मिठाइयाँ यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पे मिठाइयाँ आपको देखने को मिल रही है, तो ये भी आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ। अभी हमें भी यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है, तो मैम आप बता दीजिए यहाँ पे क्या चीज़ मिल रहा है? अच्छा, साउथ में फेमस ड्रीम केक। हाँ, ये तो हमने भी कभी नहीं ट्राई किया है। हाँ, तो वो ये दो है। फ्लेवर लाए हैं, कल तीसरा फ्लेवर लेके। अच्छा, ये दो फ्लेवर है, इसकी प्राइस आप बता देंगे हमें क्या है? और ये 60 है। अच्छा, ये 80 रुपए का है और ये 60 का है, तो मतलब दोनों में प्राइस में डिफरेंस क्यों है? देखिए, रेड वेलवेट तो महंगा आता है। हाँ? उसकी क्रीम भी ज्यादा टफिंग रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी आप वो भी। और तीसरा फ्लेवर कौन सा लाने वाली है? रसमलाई। तो फ्रेंड्स आ करके ना आप ये ड्रीम केक का आप इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बुक्स भी मिल रहे हैं, अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन है ना तो यहाँ पे वो भी मिल जाएगा। और इधर आप देखेंगे अगर आपके साथ में किड्स आए हुए हैं, बच्चा आया हुआ है, तो वहाँ के खिलौने भी मिल रहे हैं। लो भैया की ये पानी पूरी की शॉप है, अभी खुली नहीं है, ये कल से सारे जितने अभी स्टॉल खाली देख रहे हो ना, ये सारे आपको भरे एकदम मिलेंगे, तो आप आना और यहाँ पे इंजॉय करना। और बाकी एक नज़ारा आप और देख लो, ये हमारा प्रेम मंदिर। अभी फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर आप अचार खाने के शौकीन है ना, तो यहाँ पे 10 टाइप के आपको अचार भी मिल जाएंगे, और आपके एकदम बजट में मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल महंगा है, और केमिकल फ्री है। और मैम कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अचार एक बार टेस्ट करने के बाद ही आप बता सकोगे और विश्वास करोगे कि क्या सही है कि नहीं। पहले इस्तेमाल करें, जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे आप समझ नहीं सकते, तब आप कंपेयर कर सकते हो बाहर के अचार और इस बनाने वाली ये है। अच्छा, ये मैम बनाती हैं? खुद बनाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं खुद सामान लाती हूँ, और आपको कोई भी सामान ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने इसमें जो है मिलावट वाला सामान डाला है। जो आप घर पे ब्रांडेड यूज करती हैं वही ब्रांडेड सामान इसमें लगा है, और उसी से मैं। सो फ्रेंड्स, एक बार आप अगर चाहें ना तो इसको ट्राई आपको जरूर करना चाहिए, और खाना बिना अचार के ना फीका फीका सा लगता है, तो एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। अच्छा, अमेजोन पे भी है? तो अमेजोन पे भी जा करके आप ना, आप यहाँ पे ये अर्पिता नाम से है ना, अर्पिता पिकल नाम से, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने जहाँ तक कोशिश किया पूरा मंदिर के अंदर जो पंडाल बना हुआ इसके अंदर का व्यू, और बाहर का जो फूड कोर्ट अभी जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, कल से वो कंप्लीट हो जाएगा। सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी, थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी हो गई होगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरी देखना। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए, और आप लोगों का प्यार और ऐसे ही सपोर्ट बना रहे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव गुड डे।